से घायल हुए एक्टर गोविंदा ने जी न्यूज से बातचीत में बताया कि उन्हें जो गोली लगी वो निकाल दी गई है। उन्होंने अपने डॉक्टर और चाहने वालों का धन्यवाद कहा है और आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा गोविंदा ने। माँ बाप नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद, प्रणाम। क्या इसी बंगले पे हुई फायरिंग? कितने बजे के आसपास? करीबन 5:30 बजे के आसपास। और कहाँ पे जो है ले जाने की समय, उसमें परिवार के कौन कौन लोग? कुछ पता नहीं अभी तक, हमको कुछ भी पता नहीं है। उनकी लाइसेंस ही रिवॉल्वर है? चालू है। बराबर। जांच कौन कर रहा है, जुहू पुलिस या क्राइम ब्रांच को दिया? दोनों तरफ से कर रहे हैं। और रिवॉल्वर जब्त कर लिया गया? कुछ पता नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं। गोविंदा की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। उनके घर से बाहर की स्थिति का जायजा लिया हमारे सहयोगी अश्विनी पांडे ने, आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं फिल्म अभिनेता गोविंदा के घर के बाहर हूं, आपको सीधी तस्वीर दिखाता हूं। गोविंदा का घर आप आखिरी में देख सकते हैं, जो छपरा दिखाई दे रहा है वहीं पर गोविंदा पिछले कई सालों से यहां पर रहते हैं। आपको बता दें कि गोविंदा सुबह करीब 4:45 बजे कोलकाता में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 4:45 बजे जब अपने अलमारी से अपने सामान को पैक कर रहे थे, उसी दौरान उनकी लोडेड रिवॉल्वर नीचे गिर गई, जिसकी वजह से जो उनका बायां पैर है उसके पास गिरने की वजह से मिसफायर हुआ और मिसफायर में गोविंदा के पैर में जो है गोली लग गई। उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर जाया गया। क्रिटिकेयर अस्पताल जो यहाँ से 0.5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ उन्हें एडमिट किया गया। फिलहाल उनके पैर से गोली निकाल दी गई है, उन्हें ICU में रखा गया है। 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन तक वो ICU में रहेंगे। इसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कब करना है ये तय किया जाएगा। यहाँ से ले जाने में करीब 7 से 8 मिनट लगा। गोविंदा की पत्नी कोलकाता में पहले से ही कार्यक्रम के लिए पहुँच चुकी थी, वो भी वहाँ से आ रही हैं, मुंबई पहुँच रही हैं। गोविंदा की स्थिति जो फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। उनके रिवॉल्वर को पुलिस ने जब्त कर लिया है, लाइसेंसी रिवॉल्वर थी उनकी। पुलिस इस पूरे मामले में फिलहाल छानबीन शुरू कर चुकी है।